अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एस ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे वापडा की जानिब से अनाउंस की गई पोस्टों का। 2022 में इनकी सेकेंड टाइम दोबारा अनाउंस कर रही है पोस्टों का। इस वीडियो में हम पोस्टों के साथ जॉब्स के साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम को भी डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो चलते हैं उनके मेन पेज पर। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो अब डाक जाने से अनाउंस की गई है। अब कैरियर उनका पोर्टल अगर चेक करते हैं तो बेसिकली ये एक जो दो न्यू, उसके अलावा जो इसकी डेट भी अवेलेबल है, जो अपॉर्चुनिटी एट बाबडा एज असिस्टेंट डायरेक्टर की भी जो डेट है अभी अवेलेबल है। 2 फेब को अनाउंस की गई थी और जो उनका टाइम है वो 15 डेज का होता है सबमिशन का। जो उनका जो उन्होंने अपलोड किया है फॉर्म, उसके जो पब्लिश डेट से लेकर पब्लिक डेट से यानी कि 15 डेज तक आप उसको काउंट कर सकते हैं आगे, तो 17 बनती है। इसको भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। तो बारी बारी तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो उनका यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो अपॉर्चुनिटी है वापडा एज असिस्टेंट डायरेक्टर की, तो प्रीव्यू भी क्लिक करेंगे तो आप सामने ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सामने जूम करते हैं, बेसिकली कौन कौन सी पोस्टें अनाउंस की गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल, ठीक है, स्टेशन तरबेला, पोस्ट इसमें एक ही है, रिक्वायर्ड 3 साल की गई है, ओपन मेरिट है, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की गई है मास्टर डिग्री और 4 साल 4 ईयर और 8 सेमेस्टर आपके बीएसएनई ओनर्स के आपके होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सोशल इसमें हो जाइए, सोशल साइंसेज में हो जाइए, आपके साइकोलॉजी में, सोशल वर्क में, रूरल डेवलपमेंट और रूरल स्टडीज में। इसके अलावा 2 साल एक्सपीरियंस हो जाइए ग्रेविंग फील्ड में। उसके बाद उसके अलावा उसके पैकेज ने बताया गया था, अच्छे बताया गया लमसम वगैरह डाल के 1,04,000 पर मंथ की सैलरी बनाई गई है इस फील्ड इस पोस्ट की। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑक्यूपेशन ऑल हेल्थ एंड सेफ्टी की जॉब है, इसी पोस्ट पे एक अदर बिल एसोसिएशन है। जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की गई है मास्टर डिग्री, ये वो सेम जिससे हमने पहले पढ़ा था, लेकिन जो उसमें सब्जेक्ट है वो चेंज है, इन्वायरमेंटल साइंस है, पब्लिक हेल्थ है, स्पेशलाइजेशन इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज, ठीक है, एच एस सी की रिकॉग्नाइज। तो एक्सपीरियंस है 2 साल का रिक्वायर्ड किया गया है वैल्यू फील्ड में, उसकी जो सैलरी पैकेज भी सेम है, और 30 साल की एज रिक्वायर्ड की गई, ओपन मेरिट का स्टेटस है, ठीक है। अप्लाई करने का तरीका कैसा है इसका, ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं। आपने अपनी जो एप्लीकेशन जो है, आपने यहाँ पे फॉर्म जो है यहाँ इस वेबसाइट पर जाके फिल करना है, ptsc.org.pk में जाके अपने फिलअप करना है, ठीक है। इसके अलावा जो उसमें इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, इस पर आपको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए छोटे से कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या आपका इम्पोर्टेंट बात है इसमें, इसके अलावा इसके फीस का भी यहाँ जिक्र किया गया है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे ये लिखा गया था कि आपने जो पब्लिश डेट्स है उसके 15 डेज के अंदर आपने सबमिट करने, जैसे यहाँ पे बताया गया 170 रुपीज फीस आगे पे करनी है पी टी एस को, ठीक है। आप यहाँ ये पैसा मास्टर वगैरह से पे कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डिटेल आप मरीज जानी हो तो आपको यह कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर अवेलेबल है, जाके आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं, वेबसाइट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो चलते हैं इनके नेक्स्ट पेशन जो आई है, वो आई है जो अपॉर्चुनिटीज एट रब्ता हॉस्पिटल कोयटा भी है, जो आई हुई है, ठीक है, उसका फीडबैक करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है, डेंटल टेक्नीशियन, ठीक है, नोस में पोस्ट है, सॉरी नोस में बीपीएस है, ठीक है, पोस्ट में एक ही है, स्टेशन का वापडा हॉस्पिटल कोयटा के सारे दोनों तीनों पोस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की गई है वो मैट्रिक विद साइंस डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ट्रेड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके अलावा जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है, कोयटा बलोचिस्तान ओपन मेरिट। इसके अलावा मिड वाइफ, ठीक है, बीपीएस यानी कि 6 पोस्ट 2 हैं, ठीक है, सो मैट्रिक विद साइंस डिप्लोमा इन मिड वाइफरी, ठीक है, रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिल विद एज मिड वाइफ, ठीक है, एज लिमिट वही है, कोई टास्क नहीं आ रहा। डिस्पेंसर जो बस हुआ है उसमें बीपीएस 6 है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट में 1 है, ठीक है, मैट्रिक विद साइंस डिप्लोमा इन डिस्पेंसरी। उसको अप्लाई करने का तरीका भी वही है, आपको टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा छोटे कैंडिडेट को, ठीक है। तो इसके अलावा जो इंटरेस्ट होंगे वो पीटीएससी खुद कंडक्ट करेगा और जो इंटरव्यू होगा वो बाबडा कंडक्ट करेगा, ठीक है।
फीस पे करनी है, ठीक है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है जाकर, ठीक है, अगर PTS की वेबसाइट पे जाके, और ये इसका नंबर अवेलेबल है, अगर कॉन्टैक्ट करना चाहिए एलुमनाई के लिए आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने यहाँ इस वेबसाइट पर जाके अपने जो सबमिशन होगा एप्लीकेशन का, यहाँ उनका लिंक अवेलेबल है, वहाँ जाके आप उसको कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम ने लॉन्च किया वापडा ने, तो आइए उनके डिटेल चेक करते हैं। ये पब्लिश हुई थी 8/2/2022 को, प्रीव्यू करते हैं इसका। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है, इंटर्नशिप प्रोग्राम मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। तो सेलिंग फीचर्स क्या है इंटर्नशिप प्रोग्राम के, जो उन्होंने टाइटल दिया है वो सिपल वैकेंसीज, जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग 15, सिविल इंजीनियरिंग 15, उसके फाइनेंस अकाउंटिंग 8 है, ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन की 8 है, मैथ कम्युनिकेशन मीडिया 4 है। नंबर ऑफ इंटर्नशिप यानी कि 50, जो ड्यूरेशन उनके 8 वीक्स के थे। उसके बाद जो उन्हें सैलरी बताई गई है वो 10,000 पर मंथ है, ठीक है। इसके अलावा जो बैच है Q2 स्प्रिंग है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेश ग्रेजुएट्स को मैक्सिमम 3 साल के जो उनका एक्सपीरियंस हो वो भी, और एज लिमिट 26, जो CGPA है उनका वो 2.5 मिनिमम रिक्वायर्ड किया गया है, ठीक है। बेसिकली मैंने एप्लीकेशन जो ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम ओपन किया ये फ्रेश के लिए, और जो रिसेंट ग्रेजुएट हुए उनके लिए ये अनाउंस किया गया है। सीट एलोकेशन बता दी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रेजुएट बैच स्प्रिंग Q2 है उसमें मतलब कि जो सीट एलोकेट फॉर ओपन कोटा 40% 20 सीट्स हैं, ठीक है। सीट एलोकेट फॉर प्रोविजनल कोटा 60% है, 30 सीटें हैं। पंजाब में 4 है, सिंध में 4, खैरपुर खान में 4 है, बल्तिस्तान में 5 है, बलोचिस्तान में 5 है, लाल कश्मीर में 5 है, और फाटा में 3 सीटें हैं, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड किए गए आपके सारे एकेडमिक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सारे डिप्लोमा वगैरह, आपके साइंस की कॉपी, डोमिसाइल, ठीक है, आपका आपकी जो CV अपडेट हो, उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज जिसमें आपकी फोटोग्राफ चाहिए, सारे टेस्ट को और PDF फॉर्मेट में चलेंगी सारी, ये वाजे जो है यहाँ पर। इंस्ट्रक्शंस क्या बताई गई हैं, उसके लिए 44 कैंडिडेट को वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करनी है इस वेबसाइट में जाके, ये आपका इंटर्नशिप @gmail.com पे सबमिट करनी है आपने, ठीक है। इसके अलावा आप जो आपके जो जो रिक्वायर्ड तस्वीर डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपने जो एड्रेस बताया गया है यहाँ पे आपने जाके सबमिट करवानी है। इसके अलावा जो उसकी जो लास्ट सबमिशन की है वो 13 फेब 2022 है, तो अभी दिन अवेलेबल है, तो जाके जल्दी इसमें सबमिट करें। फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जाके वो सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको कोई और भी मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वेबसाइट जाके विजिट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था इनका इंटर्नशिप प्रोग्राम, कुछ उन्होंने पोस्टर की उन्होंने अनाउंस की थी, कुछ उन्होंने अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम भी वाजे तौर पर डिस्कस किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि फ्रेश ग्रेजुएट, फ्रेश स्टूडेंट्स लोग इस पोस्टों के लिए अप्लाई कर सके, इंटर्नशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर सके। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको डेली वीडियोस आपको अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।